नमस्ते सभी को। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रीम गर्ल के ट्रेलर के बारे में जो कि कल रिलीज हुआ। ड्रीम गर्ल 2 का जब ट्रेलर था वो लगभग 3 मिनट 11 सेकंड लंबा था, जिसको मेन कास्ट आयुष्मान खुराना, अनन्या पांडे और जो पिछले कास्ट लगभग उन लोगों ने रिटर्न किया। बाकी सबका काम देखने से पहले मैं कहूँगा मज़ा आता है। ड्रीम गर्ल से जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो है ना पिछले पार्ट में दिखाया था, वो इस पार्ट में कंटिन्यू होने वाला है। एक सिचुएशन बनती है जिसके कारण कॉमेडी होती है, इसको हम लोग सिचुएशनल कॉमेडी में कहते हैं। और जो ये टैलेंट था ना लड़की तरह बात करने का, वो तो इस बार भी ना काम करेगा। और अब देखते हैं कि आगे इसका क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से ड्रीम गर्ल का जो पहला पार्ट आया था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसको अगर ओवरऑल छोड़ दिया जाए ना कॉमेडी लेवल पर तो काफ़ी अच्छा था। इस बार भी कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और कई जगह हंसी आती है। मैं पर्सनली बताऊँ ट्रेलर में हर जगह हंसी आती है। इस बार वो है ना लड़की के बाप ने कहा कि है ना 50 लाख रुपए ले आओ 6 महीने में और एक अच्छी नौकरी, तो 50 लाख रुपए तो आ जाएंगे, नौकरी का पता नहीं। और उसका जो बाप है उसने इतने लोन ले रखे हैं कि इसको चुकाने के लिए उसको डांस बार में डांस करना पड़ता है लड़की बन के। और ना फिर लड़की बन के क्या क्या होता है आगे मैं कैसे बताऊँ उसको, तो एकदम से शादी कर लेता है एक लड़का एक लड़की बन के। क्या चल रहा है आखिर बॉलीवुड में? मतलब सीरियसली यार, मैं एक समय के लिए कह सकता हूँ कि ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब भाई मैं ये ना शादी कर लेते हैं पैसे के लिए, फिर वो आगे जाके और कॉमेडी कंटिन्यू होती है। और अब देखते हैं आखिरी में सिचुएशन में कैसे निकलेंगे, पिछली बार जैसे निकले थे उसी बार शायद निकल जाए। और अपने को ना एकदम चीज़ देखने वाली है, पर इस बार थोड़ा कॉमेडी लेवल थोड़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि इस बार तो एकदम पूरी तरह से लड़की बन जाएंगे, सिर्फ आवाज़ नहीं इस बार पूरा लड़की रहेंगे। पर है ना खैर इस बात को, वो संतरे वाला सीन तो मैं था जो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, अलग ही था। तो ओवरऑल कहते कॉमेडी काफ़ी अच्छी लग रही है और एक्टिंग वगैरह सबकी अच्छी लग रही है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं आयुष्मान खुराना और जो बाकी जो कैरेक्टर्स सबकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अनन्या पांडे को मुश्किल बहुत कम स्क्रीन टाइम जाता, तो इसके कारण एक्टिंग को मैं हम लोग को देखने ज़्यादा मिली नहीं। और उम्मीद करते हैं कि मूवी में ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना मिले, क्योंकि इनकी जो एक्टिंग है वो सब लोग जानते हैं कैसी है, इतनी अच्छी है ना, क्या उनको अच्छी करने के लिए ना छी निकल जाता है। खैर इस वक्त हम लोग यहीं पे इग्नोर करते हुए अब बात कर लेते हैं इस मूवी के लिए हम लोग को किस तरह से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो हम लोग को इस मूवी की कॉमेडी वाली बात करनी चाहिए, और जो होती है ना उसको थोड़ा सा कॉमेडी के ऊपर फोकस रहेगा और बीच में जो स्टोरी की साइड आस पास घूमेगी और उस बार जो सिचुएशन किया तो वो भी लग रहा है। तो मैं कहूँगा देखिए मैं 3 मिनट 11 सेकंड लंबा ट्रेलर था, पर है ना कुछ हमें पता नहीं चलता, क्योंकि ना जंप कट्स वगैरह काटे जाते हैं तो उन्हें सिर्फ बेसिक स्टोरी का पता चल जाता है। और जैसे ट्रेलर ने दिखाया वैसे एक तरफ से एक्शन कट होने वाली है। अब देखते हैं सरप्राइज कर देती है हमने को या नहीं करती, क्योंकि जो ड्रीम गर्ल 2 है उसका ट्रेलर तो आ गया, मूवी भी आने वाली है। और देखते हैं जब मूवी आएगी तो क्या ना कैसे हम लोग का रिएक्शन निकलेगा, हम लोग हंस हंस के आंसू निकलेंगे या ना आंसू निकलेंगे कि हंसी छूट जाएगी सामने वाले की स्थिति को देख के, ये तो आगे वाला समय ही बताएगा। पर जब तक के लिए सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।